हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अ फोटोग्राफ जो पोयम है जिन्हें शिर्लेट टॉलसन ने लिखा हुआ है और ये क्लास 11th की पोयम है हॉर्नबिल की। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। अब ये जो पोयम है ये फोटोग्राफ के बारे में है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, ये कार्डबोर्ड जो फोटोग्राफ को जो उसका फोटोग्राफ है उसको देख के बोल रहा है कि ये कार्डबोर्ड जो है ये मुझे दिखाता है कि कैसी थी। वैन द टू गर्ल कजिन्स, जो टू गर्ल कजिन्स थी जो उस फोटो में दिख रही हैं, वेंट पैडलिंग, पैडलिंग के लिए गई। पैडलिंग मतलब पैर चलाना, जो स्विमिंग में आप पैडलिंग करते हो वो होता है, ठीक है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और उन दोनों में से हर एक लड़की मेरे मदर का हैंड पकड़े हुए थी। एज शी द बिग गर्ल, जैसे कि वो बिग हो, मतलब उसकी मदर जो है वो बिग गर्ल की तरह थी और बाकी जो टू कजिन गर्ल्स थी वो उनका हैंड पकड़े हुए थी। सम 12 ईयर्स और सो, कुछ करीब 12 ईयर्स और सो इससे इस टाइम की बात है, वो टाइम बता रहा है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, और ये तीनों ही स्टूड स्टिल, स्टिल खड़ी हुई हैं, एक बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई हैं। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, वो और स्माइल कर रही हैं थ्रू देयर हेयर, अपने बालों के थ्रू, मतलब फेस पे बाल पड़े हुए हैं उससे स्माइल, साइड से स्माइल कर रही हैं, पोज दे रही हैं ना, हम ऐसे सोच सकते हैं कि पोज दे रही हैं, तो स्माइल कर रही हैं थ्रू देयर हेयर। एट द अंकल विद द कैमरा, और जो अंकल हैं जो उनकी फ़ोटो ले रहे हैं, एट द अंकल विद द कैमरा, तो किसकी तरफ वो स्माइल कर रही हैं, एट द अंकल विद द कैमरा, जो कैमरे के साथ अंकल हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स, माई मदर, वो कह रहे हैं अपनी मदर के लिए कि मेरी मदर का स्वीट फेस, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, ये कब था, वेन ही वॉज बॉर्न, द पोइट वॉज बॉर्न, दैट टाइम शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, शी वॉज वेरी प्रिटी स्वीट। एंड द सी, और समुद्र जो सी है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो कि लग रहा है कि थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि ये ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता है ना, तो थोड़ा सा चेंज हुआ है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वॉश्ड उनके उन बदलते हुए, मतलब देखो ट्रांजिएंट जो है वो यूज़ हो रहा है क्योंकि ये चीज़ स्थिर नहीं है, ये ट्रांजिएंट मतलब जो स्थिर नहीं है, तो जो सी है वो तो थोड़ा सा चेंज हुआ है पर ये चीज़ें जो है वो चेंजेबल हैं, ये चीज़ कोई भी स्थिर दुनिया में नहीं है, तो वो उनके ट्रांजिबल फीट को जो ना जो हमेशा स्थिर नहीं है उन पैरों को वो धो रहा है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 ईयर्स बाद, शी वुड लाफ, शी मतलब उसकी मदर, अब ये जो ये पैराग्राफ है ना ये बाद का पैराग्राफ है जब उसकी मदर फोटो देख रही हैं। अभी ये जो पोइट लिख रहा है ये फोटोग्राफ के बारे में है, यहाँ पर मदर जो है फोटो देख रही हैं, एंड शी इज़ लुकिंग एट द फोटो एंड शी इज़ जस्ट लाफिंग, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो देख रही है कि वो फोटो देख करके स्माइल करेगी। बी सी बैटी एंड डॉली, और वो कह रहा है सी बैटी एंड डॉली, और वो उसकी मदर बोल रही है फोटो स्नैपशॉट को देख करके कि देखो बैटी और डॉली को। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, और देखो वो बीच के लिए किस तरह तैयार हुई है, कैसे उन्होंने ड्रेसअप किया हुआ है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, वो जो सी हॉलीडे है वो उसका पास्ट था। माइन इज़ हर लाफ्टर, और हर पास्ट एंड माइन इज हर लाफ्टर, और वो खुश होकर ये चीज़ें देख रही है। बोथ वरी, और बोथ वरी मतलब दोनों ही जो उनकी वरीज हैं उनसे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, मतलब उनकी हंसी में वो वरीज नहीं हैं जो लेबर्ड मतलब परेशानियां और जो भी बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब की चीज़ों की वरीज के बिना वो वहाँ पर फोटोग्राफ में हंस रही हैं, और उनकी मदर देख रही हैं इस पैराग्राफ में कि वो देखो कि बैटी और डॉली कैसी दिख रही हैं। Now she has been dead. अब इस थर्ड पैराग्राफ में, मतलब यहाँ उसने सी के बारे में पहले डिस्क्राइब किया है, फोटोग्राफ को डिस्क्राइब किया है, एंड आफ्टर दैट वो बोल रहे हैं 20-30 ईयर्स बाद उनकी मदर्स फोटोग्राफ को देख रही हैं और सोच रही हैं कि देखो कैसे ड्रेसअप हुआ है और ये लोग कैसे लग रही हैं और हम लोग कितना फ्री होकर के, चिंता मुक्त होकर के, वी आर इन्जॉइंग दैट। नाउ शी हैज़ बीन, और अब वो जो है करीब, अब नहीं है वो यहाँ पर, डेड हैं, नियरली उतने ही साल पहले एज द गर्ल लिव्ड, जितने साल पहले वो लड़की लाइव थी, मतलब जो वो लड़की जिंदा थी उतने साल अब इनको डेड हुए हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और इन सर्कमस्टेंसेस, इन सारी चीज़ों के बीच में अब कुछ भी कहने के लिए नहीं है। इट्स साइलेंस एंड साइलेंस, ये सिर्फ साइलेंस है और वहाँ पर सिर्फ साइलेंस है। तो जो पोएट है वो फर्स्ट पैराग्राफ, देखिए तीन पैराग्राफ हैं, तीनों में अलग अलग टाइमिंग दी हुई है,
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटोग्राफ देखते हुए यहाँ पर उसकी मदर हंस रही है और अपने उस टाइम को एंजॉय करिए कि देखो इस फोटोग्राफ में कितना अच्छा लग रहा है, मेरे पास कोई वरीज नहीं है विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, मतलब वो सारी चीज़ों जो आप परेशानी भरी हुई चीज़ें हैं वो नहीं हैं। और इसके बाद में थर्ड पैराग्राफ में वो जो है उसको वो अब नहीं है और पोइट जो है वो काफ़ी साइलेंस ही कहते कहते चुप हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है हम उसको बाद में लेके आएंगे, पहले सिर्फ आप इनके मीनिंग्स को समझ लीजिए, देन हम उनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम बाद में कराएंगे, पैराग्राफ्स भी हम आपसे बाद में शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।